तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। देख सकते हो आप, पनीर दिख रहा है आपको, इसका मतलब है आज बनने वाला है बहुत ही लाजवाब पनीर। मैं बनाने वाला हूँ शाही पनीर और कुछ ये हमारे मसाले हैं और ये मैंने सोख करके काजू रखे हुए थे। तो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन। तो अब मैं खाना बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले इसमें डाल देता हूँ तेल। तो ये जरा अपना तेल, इसमें लगभग 100 ग्राम के करीब तेल डाल लूँगा। तो तेल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। तो ये तेल गर्म हो रहा है यहाँ पे हमारा। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो सबसे पहले हल्का सा हम इसको, जो हमारा पनीर है उसको फ्राई कर लेते हैं। सारा पनीर डाल के इसमें फ्राई कर लेते हैं। देखो हल्का हल्का गोल्डन कलर आने लग गया इसमें। तो अब इसको निकाल लेंगे और फिर उसके बाद अपनी रेसिपी की डिस्कशन करेंगे। तो पनीर निकाल लिया है हमने और अब इसमें हम डालेंगे अपने सबसे पहले जीरा और जो भी हमारे खड़े मसाले आपको दिखा देता हूँ, जीरा और लहसुन, लौंग, धनिया, जो भी हमारे खड़े मसाले डाल देते हैं इसमें। और साथ ही हम इसमें अपना ये प्याज भी डाल देंगे। प्याज तो ये है हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा सा। तो भाई ऑनियन हमारा रेडी हो चुका है, अब इसमें हम डाल देंगे अपनी ये लाल मिर्च और टमाटर। ग्रेवी जो है इसी टमाटर से बनने वाली है, तो टमाटर का बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे में शाही पनीर के अंदर। इसी से इसकी ग्रेवी थिक और टेंडरनेस और थोड़ा सौर बनेगी, खट्टा मीठा जो सौर आता है वो इसी वजह आता है टमाटर की वजह से। क्योंकि हम घर पे बना रहे हैं, हम इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लाने, केचप और ये सब। ये थोड़े से काजू मैंने जो सोख करके रखे थे ये डाल दूँगा इसमें। ले गए हमारे काजू। एक बार ये थोड़ा सा टमाटर, प्याज और ये सब पूरा गल जाए तो इसको मैं मिक्सी में एक बार घुमा लूँगा ताकि इसकी जो ग्रेवी है बिल्कुल थिक बन जाए। लेकिन उस घुमाने से पहले इसको ये बहुत ज़रूरी स्टेप है कि इसको हल्का सा बना लें ताकि ये गल जाए टमाटर और प्याज। अब इस ये ग्राइंड करने लायक हो गया है, तो ये अब ग्राइंड करने लायक हो गया तो इसको निकाल लेते हैं मिक्सी के जार में। ये मिक्सी के अंदर चले गया, इसको मैं पिसवा के लाता हूँ। तो यार अब इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा ना ये देसी घी, हल्का सा थोड़ा सा ही डालेंगे, हल्का सा देसी घी डाल लेते हैं, ग्रेवी डाल लेते हैं पहले। डाल देता हूँ ये अपनी ग्रेवी। अरे वाह, अरे वाह, तो देखो भाई अपनी ग्रेवी कुछ ऐसी है। डालने के बाद इसको थोड़ी देर उबाल आने देते हैं और उसका जो ये है ऑयल अलग हो जाएगा। तो अब इसमें हम मसाले मिला लेते हैं अपने। तो ये है हमारे पास कुछ जानदार अपने घर के बेसिक मसाले, जिसके अंदर आता है हमारा नमक,
नमक हम कमी डालेंगे क्योंकि पहले मिला दिया था हमने। ये आ गई हमारी हल्दी, हल्दी भी कमी मिलाएंगे। उसके बाद ये हो गया हमारा धनिया, हो गया धनिया, थोड़ा सा और धनिया, थोड़ा सा और धनिया। बस इसमें हम कोई भी लाल मिर्च यूज़ नहीं करने वाले क्योंकि हमारे घर पे लाल मिर्च यूज़ नहीं होती। अगर आपको मिलाना है तो आप मिला सकते हैं, तो हम इसको मिला लेते हैं। अब इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा पानी क्योंकि ग्रेवी बहुत ज़्यादा डेंस हो गई है और हमारे घर में 6-7 मेंबर्स को खाना ही खाना, 6-7 मेंबर्स के 8 मेंबर्स को खाना खाना ही है। तो ग्रेवी को निकाल लेते हैं, पानी मिला लिया इसमें और हमने इसको मिला लेते हैं दोबारा से और आँच को कर देते हैं हाई फ्लेम पे ताकि ये जल्दी से उबल जाए। देखो भाई अभी भी इतना गाढ़ा है, इसमें पानी मिला दिया तब भी इतना गाढ़ा है। तो ये है हमारा सीक्रेट मसाला। तो ये सीक्रेट मसाला नहीं है कोई नहीं भाई, सिर्फ हींग है ये। तो इसमें हींग मिला रहे हैं हल्का सा, हल्की सी हींग बस, ताकि इसमें एक बढ़िया सी खुशबू आ जाए। अभी इसमें से बढ़िया खुशबू आ जाए और कल बढ़िया सी खुशबू हम मारें, इसलिए हींग जरूरी है। तो यार उबाल देख के आपको समझ ही आ गया होगा कि भाई अभी इसमें आ गया टाइम पनीर डालने का। बोल रहा है पनीर डालो पनीर डालो, तो इसमें मिला देते हैं पनीर। ये गया अपना पनीर, इतनी देर से मांग रहा है तो भाई देना ही पड़ेगा ना, पनीर मांग रहा है तो। थोड़ा सा मिक्स होने देते हैं सारे के सारे मसालों के साथ पनीर को बढ़िया से। क्या गजब भाई, ऐसा तो मैं बता रहा हूँ आपको रेस्टोरेंट पे भी नहीं मिलने वाला, बढ़िया बढ़िया। तो अब आ गया थोड़ा सा टेस्टिंग का टाइम। गजब मजा आ गया भाई, खुद के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा कि इतना बढ़िया बनाया होगा मैंने। तो भाई अब जाएगा इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट। ये लास्ट इंग्रेडिएंट आप समझ जाओ क्या है, ये है कस्तूरी मेथी, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होती है, खाने के अंदर खुशबू लेके आती है। तो इसके अंदर डालते हैं कस्तूरी मेथी। वाह, कस्तूरी मेथी पढ़ने के बाद तो भाई इसमें लाजवाब हो गया है भाई, काफ़ी गजब। आप तो यार आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।